okay? So let us drive with a Rydberg's equation. We know these two equations, isn't it? अब इलेक्ट्रॉन जब लोअर लेवल से हायर लेवल पे जंप करेगा और वापस आएगा तो कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब करके जाएगा, तो हम ये एनर्जी चेंजेस को इससे दिखाते हैं, ई टू माइनस ई वन इज इक्वल टू एच म्यू, हम इससे ही दिखाते हैं। अगर इसमें ये वैल्यू फुल फीड करें तो ये जो हाईएस्ट एनर्जी शेल है दिस इज़ एन टू, जिसमें भी 11 इलेक्ट्रॉन, और ये ई वन कहाँ है, जब वो बॉटम पे पड़ा दैट इज़ एन वन। तो मैं ये कैसे लिख सकती हूँ कि एच म्यू इस ई टू की जगह पे ये वैल्यू फीड करूँ पहले, तो इट विल बी माइनस टू पाई स्क्वेयर एम ई फोर एन स्क्वेयर ओवर एच स्क्वेयर बेटे माइनस, और ये एन स्क्वेयर एन, ये एन शेल क्या जो ऊपर गया है, तो ज्यूम करो ये सेकेंड शेल है, दिस इज़ अ सेकेंड शेल, जो भी एन टू जो भी हो सकती है, टू थ्री फोर फाइव सिक्स इन्फिनिटी तक माइनस। अब ये भी माइनस में है, इट इज़ ऑल्सो इन माइनस, ओके बेटे, सो इट विल बी टू पाई स्क्वेयर एम ई फोर एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर, ओके बेटे, जस्ट वी आर रिटर्न। और ये क्या है, एन वन शेल, जिस शेल से इलेक्ट्रॉन जंप करके एन टू में गया, तो ये दिस इज एन वन शेल, दिस इज एनर्जी ऑफ एन टू शेल, ओके। नाउ अगर हम इस चीज को कॉमन ले लें, जस्ट वी विल टेक दिस, और हमारे पास अंदर क्या बनेगा, एन टू और एन वन, क्योंकि ये नेगेटिव में है, ये नेगेटिव नेगेटिव बेटे पॉजिटिव में हो जाएगा, और ये नेगेटिव में एनर्जी है, तो इसको हम आगे ले आएंगे और कॉमन ये ले लेंगे, तो हमारे पास अब क्या बनेगा, माइनस टू पाई स्क्वेयर एम ई फोर एच स्क्वेयर कॉमन में, इजंट इट, इट इज़ इन कॉमन और नॉट, इट इज़ इन कॉमन, तो वन, जस्ट हमने दिस को वी विल टेक दिस एज ए कॉमन, तो इन साइड क्या रह गया, एन वन स्क्वेयर माइनस एन टू का स्क्वेयर, ठीक, इट विल रिमेन कॉमन एज सच। ये जो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है इसको भी हम नीचे ले आए, विल टेक दिस ऑल्सो डाउन, तब ये नेगेटिव चला जाएगा क्योंकि हमने कॉमन ले लिया, ठीक। ओके बेटे, अब अगर मैं ये एच को नीचे ले आऊं तो ये क्या बनेगा, टू पाई स्क्वेयर एम ई फोर एच क्यूब, इट विल बी वन एन वन एन टू स्क्वेयर, ठीक है बेटे, तो इट विल बी लाइक दिस, इजंट इट। नाउ अब दिस इज फ्रीक्वेंसी, बट फ्रीक्वेंसी वी नो दैट इट इज सी ओवर लैम्डा, लेट अस पुट हियर सी ओवर लैम्डा, इस फ्रीक्वेंसी की जगह पे हम सी ओवर लैम्डा पुट कर देते हैं जी। अगर हम सी ओवर लैम्डा पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या होगी, टू पाई स्क्वेयर एम ई फोर एच क्यूब वन एन वन स्क्वेयर माइनस एन टू स्क्वेयर इक्वेशन विल दिस वन, ठीक। अगर मैं सी इसको नीचे ले आऊँ, अब वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम यहाँ पे ले आए तो क्या बनेगा, वन अपॉन लैम्डा विल बी टू पाई स्क्वेयर एम ई फोर एच क्यूब इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट एंड इट विद दिस वन। नाउ व्हाट इज वन अपॉन लैम्डा, एंड ये सारे क्या हैं, हमारे पास सीधा आंसर है बेटे, ये सारे कांस्टेंट है, पाई की भी वैल्यू है, मास की भी, चार्ज की भी, प्लैंक्स कांस्टेंट की भी, वेलोसिटी ऑफ लाइट की, जब सब की वैल्यू आप पुट कर देते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, आर, यू विल गेट आर द कांस्टेंट, एंड दस योर इक्वेशन टर्न लाइक दिस,
Isn't it the derivation is so simple? Remember that energy hum is 2 pi square me 4 n square over h square से निकालते हैं. n square over h square से निकालते हैं. Then it will be very easy for you to find out the Rydberg equation. Okay, बेटे. So this is how the Rydberg equation came. अब बोहर ने एक तो हमें एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स कह दिया, एनर्जी भी फिक्स कह दी, उसके अलावा क्या फिक्स किया? बोहर ने रेडियस भी फिक्स किया. बोहर रेडियस है ना, जिस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उस सर्कुलर पाथ का बेटे रेडियस है. अब रेडियस निकालने के लिए आर इज इक्वल टू एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर, इसको क्या बोल रहा है, ओके. फर्स्ट ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिमिटेशन है बेटे. और क्या लिमिटेशन है? बोहर ने हमें हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा तो बता दिया बड़े शान से, मगर वो ऐसे एटम्स का स्पेक्ट्रा नहीं एक्सप्लेन कर पाया जिससे जिसमें मल्टी इलेक्ट्रॉन थे, मतलब मोर देन वन इलेक्ट्रॉन वॉज देयर, लाइक लिथियम बोरोन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब ऊपर एक्साइट होके नीचे आते हैं तो ऐसा स्पेक्ट्रा क्यों जाता है, बोहर हमें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया. ठीक है, अगर हम बेटे यू विल स्टडी इन द हायर क्लासेस, अगर यू विल टेक बीएससी तो स्पेक्ट्रोमीटर में जैसे एनएमआर में भी डबलेट ट्रिपलेट बनते हैं, एक लाइन दो या तीन में टूट जाती है. तो ये जो लाइंस टूट जाती हैं अगर वेरी फाइन, अगर स्पेक्ट्रा को ध्यान से देखो तो यू विल सी देयर आर मोर देन वन लाइन. ठीक है, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया बोहर, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया इतनी सारी लाइंस क्यों हमें नज़र आती हैं. ठीक है, अ सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन इज़ फाउंड टू कंटेन नंबर ऑफ फाइन लाइंस. एक ही लाइन के अंदर अगर उसको जूम करके देखा जाए, अगर उसको अच्छे से देखा जाए, उसमें छोटी छोटी और फाइन लाइंस थी. तो वन वाई वन स्पेक्ट्रल लाइन कंसिस्ट ऑफ सो मैनी फाइन लाइंस. ये हमें बोहर एक्सप्लेन नहीं कर पाया. और क्या नहीं कर पाया? अगर हम किसी का लाइन स्पेक्ट्रा देख रहे हैं, उन रेडिएशन को मैग्नेटिक या हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डालते हैं. आई हैव टेकन अ सोर्स, आई हैव टेकन डिस्चार्ज ट्यूब जिसमें हाइड्रोजन, उसमें से हाइड्रोजन की जो वेवलेंथ की जो रेडिएशन निकल रही है उसको मैग्नेटिक या मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला, तो वो स्पेक्ट्रल लाइन बेटे आगे टूटेंगी, दे विल स्प्लिट. If they are being placed in magnetic field, the splitting of the lines is called Zeeman effect. This is called Zeeman effect. And if the spectral line is splitted in the electrical field, then it is known as Stark effect. Okay, बेटे, then it is known as Stark effect. जो भी lines आ रही हैं वो further टूटेंगी, क्योंकि हम further जब पढ़ेंगे तो हम ये बोलेंगे कि उनकी कोई स्पिन है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद द स्पिन. जब इलेक्ट्रॉन स्पिन के साथ मूव करेंगे क्वांटम में स्टडी करेंगे, और जब वो मैग्नेटिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में आता है इलेक्ट्रॉन, तो उसकी लाइंस और भी जंप और वो डायरेक्शन में चला जाता है, तो लाइन फर्दर टूट जाती हैं. तो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया क्योंकि इसने स्पिन की बात ही नहीं करी कि इलेक्ट्रॉन अपने ही अराउंड स्पिन करता है, इट इज़ क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इसने कुछ बात नहीं करी. ओके, ठीक है बेटे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट कांट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन्स. सेकंड, व्हाई वन स्पेक्ट्रल लाइन कंसिस्ट ऑफ सो मेनी फाइन लाइन्स एंड व्हाई देयर इज स्प्लिटिंग ऑफ द लाइन्स इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड. इफ द स्प्लिटिंग इज अकर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, हमें क्या बोलते हैं हम, ज़ीमन इफेक्ट. एंड इफ इट इज अकर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज़ नोन एज स्टार्क इफेक्ट. इवन इट डजंट, हमने एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इज एन इंट्रीगल मल्टीपल ऑफ एच बाई टू पाई, ये इसने एज्यूम किया था मगर एक्सप्लेन नहीं किया था कि ये कैसे आया. ये जो h बाई टू पाई है
इसने सिर्फ अज्यूम किया था एम वी आर इज इक्वल टू एच बाई टू पाई, मगर ये कैसे आया यह इसने हमें कुछ नहीं बताया। तो हम आगे चलते हैं जो हमें क्वांटम बताएगी। क्वांटम पे जाने से पहले हमें पता होना चाहिए डुअल नेचर ऑफ मैटर। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बेटे डुअल नेचर देख लिया कि इनमें वेव करैक्टर भी है, पार्टिकल करैक्टर भी है। अब हम जरा इलेक्ट्रॉन की भी स्टडी कर लें। इलेक्ट्रॉन का भी वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल होने के कारण उसमें मास भी है और वो वेव की तरह ट्रैवल भी करता है, तभी वो 2-3D में ट्रैवल कर रहा है, बिकॉज इट इज़ ट्रैवलिंग इन द वेव। ठीक है बेटे, ये प्रूव करेगी अब आगे डी ब्रॉगली और हम जाएंगे क्वांटम की तरफ फिर उसके बाद। ठीक है बेटे, अभी तक वी हैव स्टडीड बोहर जो हमें 2D तक घुमाता रहा। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स 3D मॉडल ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड विच विल बी एक्सप्लेन बाय क्वांटम। एंड बिफोर स्टार्टिंग दैट क्वांटम मैकेनिक्स वी शुड नो हाउ दिस मॉडल केम, व्हाट आर द डिस्कवरी विच लीड्स टू द मॉडल। There are two discoveries here, two experiment. One is given by Heisenberg, that is Heisenberg uncertainty principle, and second was dual behavior of matter. So dual behavior of matter. Dual behavior means it is behaving like wave and particle also. And it is given by de Broglie, that is why it is known as de Broglie equation. कि एक जो matter है वो दोनों की तरह act करता है बेटे, as a wave and has a particle nature, जैसे कि electromagnetic wave का भी हमने बताया था। क्या relationship है वो? वो relationship है ये, lambda is equal to h over mv. लैम्डा ओवर, अब इस रिलेशनशिप से हमें क्या समझ आ रही है? समझ आ रही है कि वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। चलो इसको ड्राइव भी करेंगे अभी, पहले इस रिलेशनशिप को समझो बेटे। लैम्डा, लैम्डा क्या होती है? वेवलेंथ। अब वेवलेंथ किसकी होती है? वेवलेंथ तो किसी वेव की ही होती है, दैट इज़ वाई लैम्डा। और विलोसिटी, मोमेंटम, मोमेंटम मास और विलोसिटी किसी पार्टिकल का होता है ना बेटे। मास किसी वेव का तो नहीं हो सकता, मास नहीं हो सकता, मास तो किसी पार्टिकल का, वेट किसी वेट का ही हो सकता है। तो जब डी ब्रॉगली ने वेवलेंथ और मास या मोमेंटम में रिलेशनशिप ड्राइव कर दी हमारे लिए, तो उसने बताया क्योंकि इन दोनों में रिलेशनशिप आ रही है, इसका मतलब एक मटेरियल पार्टिकल में दोनों है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। और ये इसने कहा दोनों पे लागू होती हैं, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं चाहे वो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैं। फिर इसको थोड़ा हम लिमिट करेंगे, नहीं आपकी इक्वेशन सिर्फ एंड सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए ही है, मैक्रोस्कोपिक के लिए नहीं है। वो हम आगे स्टडी करेंगे कैसे करेंगे, विद हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट डन या एक इसमें वैल्यूज पुट करके देखेंगे हम। अब ये इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन में बेटे मास भी है और इलेक्ट्रॉन में वेव भी है, इसका मतलब इसमें वेव नेचर भी है और किसी मैटर जैसा मास भी है। चलो जी, हम लेट अस ड्राइव नाउ, लेट अस कम टू दिस इक्वेशन। क्या कैसे डी ब्रॉगली इस इक्वेशन पे पहुंचा? डी ब्रॉगली ने कहा कि आपने स्टडी कर लिया प्लैंक्स कॉन्स्टेंट थ्योरी के हिसाब से कि एनर्जी इज इक्वल टू एच मी, और ये हमें किसने दिया था? प्लैंक्स थ्योरी ने, ये हमने प्लैंक्स थ्योरी ने दे दिया था, बिल्कुल सही। ई इज इक्वल टू एच मी प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने दिया था। अब स्मॉल क्लासेस से ही हम आइंस्टाइन की इक्वेशन भी पढ़ते आ रहे हैं। आइंस्टाइन ने हमें क्या दिया था? ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। इन दोनों रिलेशन को इक्वेट कर देते हैं तो एच म्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर हो गया बेटे जी, एच म्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। अब वट इज म्यू, वट इज म्यू? सी ओवर लैमडा, सी ओवर लैमडा, दिस इज म्यू। नाउ वट इज लैमडा? लैमडा विल बी
एच सी ओवर एम सी स्क्वेयर, तो यहाँ से सी ए कैंसल आउट हो जाएगा, तो लैम्डा विल बी एच अपॉन एम सी। गेटिंग माय पॉइंट? तो हमने ये दोनों इक्वेशंस करी हुई हैं, अभी शुरू से ही करते आ रहे हैं। ई इज इक्वल टू एच म्यू, ई इज इक्वल टू एच म्यू, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर कर दी, दोनों को रिलेट कर दिया, हमारे पास ये आ गए। अब सी क्या है, क्योंकि इसने स्टडी किसके ऊपर किया था, इसने तो स्टडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर किया था, तो सी तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है। हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट की, ठीक है, हम वेलोसिटी ऑफ लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सी है, क्योंकि सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेलोसिटी ऑफ लाइट से ही ट्रेवल करती है, हम कर चुके हैं लैम्डा इंटू वी इज इक्वल टू सी। तो सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मगर बेटे जी हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इस सी की जगह पे वी कैन पुट हियर ई इज इक्वल टू एच एम वी, दैट इज सॉरी लैम्डा इज इक्वल टू एच एम वी, दैट इज वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अब एम वी क्या होता है, यू आर स्टडी फ्रॉम द जूनियर क्लासेज इन फिजिक्स, इट इज मोमेंटम, दैट इज पी, पी। अब अगर अभी मैंने क्या समझाया, एच कांस्टेंट है, इसको मैं अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाऊं तो वन अपॉन पी आ जाएगा कि नहीं आएगा। अब ए की वेव दूसरे का मोमेंटम, वेव और मोमेंटम में अगर रिलेशनशिप आ रही है तो वेव किसकी होगी, जिसकी वेव नेचर होगी, मोमेंटम किसका होगा, जिसका पार्टिकल नेचर होगा बेटे जी। तो अगर आप इन दोनों में रिलेशनशिप निकाल देते हो कि उसमें वेव भी है और उसमें पार्टिकल नेचर भी है, तो यू कैन गो ओके बेटे। तो ये हमारा प्रूव हो गया, वी कंक्लूड दैट द वेव एंड पार्टिकल नेचर ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इन्वर्सली प्रपोर्शन टू ईच अदर, वेव लेंथ एंड वेव एंड पार्टिकल नेचर। आप खुद सोचो, जितना कोई हैवी होगा, जितना हैवी होगा उसका मोमेंटम उतना स्लो हो जाएगा, तो उसकी वेव इतनी फास्ट नहीं बनेगी, ठीक है, तभी ये इन्वर्स है। मोटू ले लूँगी ना, उसकी वेव नहीं बनेगी, जो वेव बनेगी तो माइक्रोस्कोप पार्टिकल की ही बनेगी, ठीक है, तो ये इन्वर्स है एक दूसरे से। अब इस पहले तो जी हमें डी ब्रॉगली ने ये कहा कि ये दोनों के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, माइक्रोस्कोपिक के ऊपर भी जी, मैक्रोस्कोपिक के ऊपर। फिर हमने कहा चलो हम अप्लाई करके देखते हैं। अब हमने दोनों के ऊपर अप्लाई करना है, हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर पहले अप्लाई करें, तो इसके हम कहेंगे ये लिमिटेशन है, दिस आर लिमिटेशन ऑफ डी ब्रॉगलीज, ठीक है, हम अप्लाई करते हैं आपकी इक्वेशन। तो आपने हमें कहा कि लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, तो व्हाट इज एच, ठीक है, अब लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, एच वी नो दैट इट इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, इट इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, ओके। What is mass of the electron? This is 9.11 into 10 raised to the minus 31. Let be the electron moving with the speed of 10 raised to the 5 meter per second. This may is a velocity of electron. ठीक है बेटे, this is the Planck's constant. kg meter square second inverse. ओके बेटे, दिस इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द वेलोसिटी विद द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद, यू विल गेट द वैल्यू 7.27 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 9 मीटर्स। ये वेवलेंथ आएगी हमारे पास इलेक्ट्रॉन की। अगर मान लो आपके पास अब बड़ी बॉल है, वो सेम ही वेलोसिटी से मूव कर रही है, दैट इज 10 रेज टू द पावर 5 से ही, मगर मास तो इतना कम नहीं होगा, मास हम कम से कम 0.1 के जी क्या देते हैं, उससे कम तो क्या लें, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, फॉर एग्जांपल फॉर बॉल, तो एच की वैल्यू तो बेटे सेम रही, एच की वैल्यू सेम रही,
मास हम कम से कम क्या ज्यूम कर लेंगे, इतना 0.1 kg, इससे ज़्यादा क्या कम ज्यूम करोगे। और वेलोसिटी मैंने कहा कि सेम वेलोसिटी से चल रही है, तो जब इसकी वेवलेंथ निकाली तो इट इज़ कमिंग टू दिस मच। ये जो -38 है, यू कैन सी हेयर बेटे, इट इज़ रिटर्न हेयर -38 और हेयर इट इज़ रिटर्न -9। -9 को तो मैं फिर 0.00 करके तक ले आऊँगी, -38 कितने हम 0.00 आगे लगाएंगे, जस्ट थिंक ओवर इट। तो इतनी छोटी वेवलेंथ को निकालना इजी है हमारे लिए, टेल मी। अगर वेवलेंथ इतनी आ रही है और ये वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की रेंज में नहीं आ रही, ये बहुत ज़्यादा कम आ रही है, ठीक है, तो आप -38 यू कांट फाइंड, इट इज़ नॉट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रीजन इट इज़ फॉलिंग। तो हम ऐसे प्रैक्टिकली हम ये नहीं कह सकते कि दिस वेव एंड पार्टिकल नेचर कैन बी अप्लाइड टू द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ऑल्सो, इट कैन बी अप्लाइड ओनली टू द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, नॉट टू द मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि ये जो हमारी वेवलेंथ थी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में थी, और इसको हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं, हम मीटर्स को नैनोमीटर्स में भी चेंज कर सकते हैं, और हम पॉइंट आगे भी लगा सकते हैं। -38 सो मच लार्ज, पॉइंट इतने लगाने पड़ेंगे, इतनी बारी आपको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। सो टू सम अप, प्रैक्टिकली डी ब्रॉगली रिलेशन कैन बी अप्लाइड ओनली टू मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, एटम्स लाइक, एंड इट हैज़ नो रेलिवेंस विद द मूविंग जो कि होते हैं मैक्रोस्कोपिक। अब इट इज देयर वॉज टू एक्सपेरिमेंट विच आर कंडक्टेड इन द फेवर ऑफ पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। फॉर द पार्टिकल नेचर द एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड इन विच अ बीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन वॉज स्ट्राइक अगेंस्ट द स्क्रीन कोटेड विद द जिंक सल्फाइड। ठीक है बेटे।